नमस्कार दोस्तों, इस समय हम गांव बोतेवाड़ा में हैं। ये जींद विधानसभा का गांव है। तो जींद बोतेवाड़ा से पूछते हैं यहाँ का मूड क्या है, तो देखते हैं यहाँ के जो स्थानीय लोग बैठे अड्डे के ऊपर अड़े बोतेवाड़ा बस स्टैंड पर, और पूछते हैं किसका क्या मोल है। आप यहाँ से अंदाजा लगा लेना किसका क्या मोल है इस गाँव का बोतेवाड़ा से। राम राम जी। सरपंच साहब से कोई नहीं, आप भी सरपंच साहब, क्या मोल है गांव का? कांग्रेस का है। कांग्रेस का है, किसके साथ टक्कर मार रहे हो कांग्रेस का? टक्कर तो बीजेपी की। बीजेपी के साथ? ये जो निर्दलीय प्रदीप गिल है कुछ वोट ले रहा है? थोड़े बहुत होंगे, थोड़े बहुत होंगे। अरे आम आदमी पार्टी वाला इसका तो कुछ नहीं, कुछ नहीं इसका। राम राम जी। राम राम जी। शुभ नाम सर? रामवीर सिंह, गाँव खोखरी। खोखरी से? अच्छा, खोखरी तो इसी विधानसभा में। खोखरी में क्या मोल है जी? खोखरी में कांग्रेस का मोल है। कांग्रेस का मोल है जी। तकरीबन किसके साथ फाइट मान रहे हो कांग्रेस की? कांग्रेस की बीजेपी के साथ। बीजेपी के साथ फाइट है। जो निर्दलीय विधायक चुनाव लड़ रहे प्रदीप गिल, इसका क्या है? कोई खास बात नहीं, कोई खास नहीं। गांव के लिए वोट तो सबसे सोचो जी, थोड़े बहुत वोट तो गांव के लिए रहा। हाँ, 50-60 वोट। अच्छा, ये अनुराग, ये वजीर डांडा? कोई वोट नहीं, कोई वोट नहीं। राम राम जी। राम राम। शुभ नाम जी? वीरेंद्र कुमार जी। वीरेंद्र कुमार जी, किसका के मोल लग गया जी गाँव बोतेवाड़ा में? कांग्रेस का ज्यादा है। कांग्रेस का जी। दो नंबर पर कौन लग रहा है आपको? शाम को दो नंबर पर ये के नाम है बीजेपी जी। बीजेपी। ये प्रदीप गिल? प्रदीप गिल का नहीं है, कोई मोल नहीं है। आम आदमी पार्टी वाला भी कुछ नहीं? आम आदमी पार्टी कुछ नहीं। ज्यादातर कितने वोट है गाँव में? गाँव में जी 1400। 1400 वोट है, तो ज्यादा वोट यू लेके जाओगे? हाँ, कांग्रेस वाला। कांग्रेस वाला। राम राम भाई। राम राम जी। इनका किसके लाल बाल करोगे? इनका लाल बाल करागे, मंगे के छोरे कर दे इनका दो। रंग रंग उसका लाओगे? हाँ। तो मतलब क्या मोल है उसका? मोल है तो एक तरफा जमा, एक तरफा मोल है। हाँ, एक तरफा मोल है। राम राम जी। जी राम राम। क्या आंसर जी? हाँ बोलो। किसका क्या मोल बना रहे हो? इसका मोल है जी। अच्छा जी, एक तरफा है। हाँ, एक तरफा। दो नंबर पे किस्ती ले रहे हो? दो नंबर पे मिड्डा। दो नंबर पे मिड्डा। तीन नंबर पे? तीन नंबर वाला नहीं कोई भी। पांच पांच चार चार फुट। राम राम जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। शुभ नाम सर? रामचंद्र सरपंच। अच्छा, एक सरपंच बोतेवाड़ा। क्या मोल है जी गांव में आपने? गांव में माहौल बहुत बढ़िया है, कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस का मोल है? कांग्रेस के वोट 70 और 30 में आ जाते हैं। अच्छा, बाकी और हैं वो 30% में आ जाएंगे। कांग्रेस अकेले 70% में बैठी है गाँव। 70% में। और गाँव में 26 वोट है, निर्दलीय है। पहले तो एक बार जैसे हवा चली थी उसमें बता रहे थे लोग भाई प्रदीप गिल के साथ बहुत लोग जुड़ गए हैं, 10% से 2% पे आया गया, और कल 1% भी नहीं रहेगा। अच्छा, वो आ जाएगा। फाइट में चलाता बंदा फिर? फाइट में तो डॉक्टर मिड्डा है। अच्छा, और कांग्रेस? और कोई नहीं है कांग्रेस की फाइट में। कांग्रेस की विजय है। कांग्रेस की विजय है। हाँ जी। बीजेपी से क्यों नाराज हो रहे हैं लोग सरपंच साहब? बीजेपी से नाराज नहीं है, बीजेपी ने ऐसा है, उन्होंने है नी मनोहर लाल खट्टर का कोई रुपया उसने कमाया नहीं, उसने मंत्रियों ने जितना खाना था नहीं सब कुछ खा लिया, अड़प लिया इस देश को, ये राज्य नहीं है भाई हमें तो, उसने देख के नहीं, सारे मंत्री भ्रष्ट है इसके। अरे हमें कहा किसान, हाँ किसानों की न कोई मदद नहीं की, इसलिए हमें उससे नाराज है। इसलिए कांग्रेस को वोट दे रहे हो? कांग्रेस को वोट देंगे। कांग्रेस को वोट दे रहे हो? भूपेंद्र हुड्डा वोट दे रहे हो? भूपेंद्र हुड्डा को वोट दे रहे हैं, अमर गुप्ता को वोट नहीं देते। अच्छा अच्छा, आपने जो गांव के कांग्रेस के वर्कर हैं बढ़िया भाई, क्या नाम है इसके, लक्ष्य प्लांट वाले, ये नाम इसका भाई का बलजीत रेड्डू। बलजीत रेड्डू। हाँ जी, इसके कितना प्रभाव है गांव में? इसमें से वोट मिलेगा? बहुत बढ़िया प्रभाव है गांव में, मतलब पूरा होल्ड है। नहीं, कुछ लोग नाराज तो नहीं है? टिकट कटी है? नहीं नहीं नहीं, नाराज तो थे लेकिन खुद बलजीत ने आके ही गाँव में संभाला है, और बलजीत रेड्डू ने खुद कहा भाई सब है नी मिलजुल के चलो, कोई बात नहीं अब नहीं तो फिर। हाँ, तो उसके बाद हो जाएगा पार्टी का। हाँ, उसने पार्टी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहा है बलजीत रेड्डू, लगा हुआ है तन मन धन से। बिल्कुल बिल्कुल लग रहा है जी, सही है। राम राम जी। भाई जी, कैसे हो? ठीक है जी। किसका मोल लगा जी आपने? प्रदीप गिल का। प्रदीप गिल का जी। देखो भाई, बोतेवाड़ा में स्टेम खड़े हैं, इधर से प्रदीप गिल की रैली आ गई है। आपको देखो मौके पर छोटा ट्रैक्टर ले रहा है, झंडे गड़े ला रहे, ट्रैक्टर छोटा है झंडे बड़े ला रहे है। ये देखो, ये पूरा बड़ा काफिला आ गया प्रदीप गिल का इस गांव के अंदर, हम देख रहे हैं इस बोतेवाड़ा में। प्रदीप गिल।
देखो भाई, प्रदीप गिल का बहुत बड़ा काफिला आपने देखा था अभी थोड़ी देर पहले, तो उस काफिले के बाद बोता वाला गांव के लोगों की राय जानते हैं तो भाई के कुछ मोल है, तो इस काफिला देख के क्या लगा? वोट ठीक है, जीतता गया मतलब वोट ले हुआ मैं तो पहले दिन तो शेर लगा अच्छे वोट ले हुआ काफिला देखे मतलब अच्छे लेगा। आपका क्या विचार भाई साहब? बढ़िया जीत है भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। रोड शो देखा इसका जबरदस्त था, तो क्या लगा इसे? हूं भी जीत सवाईगी जीत से गेंद भाई लोकल है। अच्छा भाई फिर इन भाई पूछांगे ओकड़ा गायक और थारे तो अच्छा, काफिला देखा तो इस लगे कुछ वोट ले रहा है भाई साहब? गेले की वोट ले रहे, हर गेले चल रहा है, गेले चल रहा है। हाँ, अपने गेले जितने वोट है गेले ले रहा है, एक भाई सारे वोट अपने गेले ले चलो और गेले चलो। कुछ तो खाली तो कोनी तू? बस खाली है नहीं, खाली है वोट ले रहा, बस गेले ले रहा अपने सारे। ठीक ठीक जी, क्या लगा जी काफिला देख के आपने प्रदीप गिल का? अरे एक तरफा ले रहा, हर कार्ड का जीतेगा जीतेगा। ठीक ठीक, और कंधे बिठा के ले जाएंगे, ठाक ना दिक्कत ना मान है, कंधे बिठा लेंगे भाई ने। अच्छा अच्छा, हाँ पाए कौन चाल दे दे? पाए कौन चाल दे? ना ना पाए का मतलब के पाए तेरे दिन चाल लिया जिताओगे एक तरफा? अरे कंधे बिठा के ले जाएंगे ठाक ने, जुगर अनुमान ले गया था नी न्यू ले जाए ठाक। टक्कर किसी लिए मानने प्रदीप के लिए? दोनों थर्ड में है, दोनों थर्ड में, दोनों थर्ड में दे दिया गेड़ा, हमने गेड़ा दे दिया, हम तो गेड़ा देनी है। हम ठीक है बिठा लिया भाई कंधा, ही कौन उतरने दें दे, दिक्कत ना मान है। ले भाई काफिला देखने बाद क्या विचार हुआ जी आपका? बहुत बढ़िया जी, मोल ठीक है जी, बढ़िया जी, मतलब वोट खाली कौन ही ले होगा? वोट कौन है? मतलब तो थोड़े वोट से मतलब खाली कौन लगता? ना 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 खाली कौन लगता है, अच्छे वोट ले रहा, करियर जीतेगा। पी वाले तो कमेंगे बेचारे, कमेंगे हां क्यों हमारा वोट बैंक है, क्यों इनका लहू मुंह लग लिया जाते। सरपंच साहब काफिला देखने में क्या महसूस हुआ आपने? कुछ वोट वाट ले रहा है? बड़ा अच्छा है, जितना काफिला में है उतने वोट नहीं है। अच्छा। ये सारे एक इसको बहकाने वाला काम है, इसका सत्यानाश ठावेंगे, घना रुपये सामने अंग्रेजी पीवेंगे, सारा बथुआ खाऊंगे इसके घर बैठ के, इसके पल्ले वोट है नी सारे 2000 भी नहीं जाते, 1500-1600 वोट। काफिला तो बहुत बड़ा लग गया, काफिला तो नहीं तो हमें जाट आके रखे कर दिया। काफिला मारा है, जाट भाई है, ट्रैक्टर जितने मार दो रहे हैं बनिए कड़े ले आओगे, काफिला सबसे बड़ा हम बनावा। हाँ लेकिन हमें है नी अपना नखाया करा कदे तो मेरा ही नहीं है। ओए फर्क नहीं, इतना जोर लगा ले कोई। ताऊ यू काफिला देखा जो आपने प्रदीप? हाँ भाई, किसका मोल है? किसका मोल है? जय हमने गेला बैंड।